इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट के संकेत IMF की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी झेल रही है, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारी मंदी से गुजरना पड़ सकता है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा कि 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट आ सकती है, जो कि ऐतिहासिक गिरावट होगी। ये पहली बार है जब सभी क्षेत्रों में 2020 में वृद्धि में गिरावट का अनुमान है। चीन में जहां पहली तिमाही में तीव्र गिरावट के बाद पुनरुद्धार जारी है, वहां 2020 में वृद्धि दर 1.0% रहने का अनुमान है। इसका कारण अधिक समय तक लॉकडाउन और अप्रैल में अनुमान के विपरीत धीमा पुनरुद्धार है। वहीं वर्ष 2021 में वैश्विक वृद्धि 5.4% रहने का अनुमान है। कोरोना ने MSME क्षेत्र को दिया बड़ा झटका, कईयों ने हमेशा के लिए बंद किया कारोबार। कोरोना महामारी ने MSME क्षेत्र को एक बड़ा झटका दिया है। कई लघु, सूक्ष्म और मंझोले उद्योगों को अपना कारोबार हमेशा के लिए बंद करना पड़ा है। एंड्यूरेंस इंटरनेशनल ग्रुप की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है। आपको बता दें कि सर्वेक्षण में जून के पहले दो सप्ताह में करीब 500 भारतीय MSME इकाइयों के विचार लिए गए, जिनमें से एक तिहाई MSME ने इस बात की पुष्टि की कि स्थिति सामान्य होने तक उन्होंने अस्थायी तौर पर अपना कारोबार बंद कर दिया है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि मुख्य रूप से महानगरों और खुदरा और विनिर्माण क्षेत्र के MSME का कारोबार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, और करीब 60% MSME का ये भी मानना है कि कारोबार सामान्य होने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। चीन के खिलाफ माहौल का भारतीय निर्यातकों को मिलने लगा फायदा, कई देश कर रहे हैं संपर्क। COVID-19 की वजह से वैश्विक स्तर पर चीन के खिलाफ बनने वाले माहौल का फायदा भारतीय निर्यातकों को हो रहा है। आपको बता दें कि जो देश चीन से सामान खरीदते थे, वो देश अब भारतीय निर्यातकों को संपर्क कर रहे हैं। गारमेंट्स, लेदर और इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यातकों के पास इन दिनों यूरोप के कई देशों के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से भी खरीदारी के लिए पूछताछ की जा रही है। निर्यातकों के मुताबिक चीन सालाना $2,500 अरब का निर्यात करता है, और अगर चीन का 1% निर्यात भी भारत की ओर शिफ्ट होता है तो भारत को $25 अरब का नया ऑर्डर मिलेगा, जो भारतीय निर्यात का लगभग 8% है। इनकम टैक्स से जुड़े ये 6 बदलाव आपके लिए जानने हैं बेहद जरूरी। कोरोना काल में बहुत सारे लोग टैक्स जमा कराने की तमाम बातों को लेकर चिंता में हैं, क्योंकि सरकार ने इसकी आखिरी तारीख भी कई बार बढ़ा दी है। अब वो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इनकम टैक्स को लेकर क्या क्या घोषणाएं हुई और क्या बदलाव हुए। वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई, और पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। आपको बता दें कि अगर पैन आधार समय से पहले लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 80C, 80D आदि के तहत टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट की लास्ट डेट भी 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग की ओर से TDS काटे जाने का सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जारी करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दी गई है। साथ ही छोटे और मध्यम टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए आयकर विभाग ने 1,00,000 रुपए तक के टैक्स वालों के सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की लास्ट डेट भी बढ़ा दी है। अब नई तारीख 30 नवंबर 2020 हो गई है। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।